हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं गीता, आपका अपने चैनल क्रिएटिव मदर में स्वागत है। आज हम बनाएंगे पार्ले जी बिस्किट से बहुत ही टेस्टी और क्रीमी क्रीमी आइसक्रीम। इस आइसक्रीम को हम बिना गैस जलाए बनाएंगे और वो भी सिर्फ घर की कुछ चीज़ों से बनाएंगे। झटपट बनने वाली इस रेसिपी को आप ज़रूर देखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए इस आइसक्रीम को बनाना शुरू करते हैं। तो इस आइसक्रीम को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 10 रुपये और 5 रुपये के दो बिस्किट लिए। इन्हें हम खोल लेंगे और सभी बिस्किट प्लेट में निकाल लेंगे। बिस्किट को तोड़कर हम एक जार में ऐड कर लेंगे। तो सभी बिस्किट मैंने तोड़ लिए हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम शुगर। तो यहाँ पर मैंने देसी खांड ली है, आप शुगर ले सकते हैं। यहाँ मैं 2 चम्मच डाल रही हूँ क्योंकि हमारे जो बिस्किट हैं वो थोड़े फीके हैं। साथ ही मैं ऐड करूँगी इसमें 1 चम्मच कोको पाउडर, ये ऑप्शनल है। ढक्कन बंद करके हम इसका एक फाइन पाउडर तैयार करेंगे। तो यहाँ मैंने फाइन पाउडर इसका तैयार कर लिया है। ये देखिए, दोनों चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें ऐड करेंगे हम 1/2 कप चिल्ड मिल्क। दूध बिल्कुल ठंडा लेना है आपने। यहाँ मैंने कच्चे दूध का नहीं, उबले हुए दूध का यूज़ किया जो मैंने फ्रिज में ठंडा कर लिया था। साथ ही ऐड कर रही हूँ मैं यहाँ पर फ्रेश मलाई, घर की दूध की जो मलाई होती है ये भी हमें 1/2 कप लेनी है और चिल्ड लेनी है बिल्कुल। अगर आपके पास मलाई नहीं है तो आप यहाँ पर अमूल फ्रेश क्रीम डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो यहाँ सभी चीज़ों को मैंने ग्राइंड कर लिया है। ये देखिए, इसका बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आया है क्योंकि हमने यहाँ पर मलाई का यूज़ किया है। ये देखिए, देखने में कितनी स्मूथ और सिल्की है ना। हमारी आइसक्रीम भी बिल्कुल ऐसे ही बनेगी। आइसक्रीम बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं पेपर कप। इसमें हम प्लास्टिक या फिर स्टील के बर्तन में भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने सारा मिक्सचर ऐड कर दिया है। अब इनके ऊपर लगाएंगे हम सिल्वर फॉइल। इस तरीके से इन्हें कवर कर देंगे। अगर आपके पास सिल्वर फॉइल नहीं है तो आप यहाँ पर पॉलीथीन या प्लास्टिक शीट का यूज़ कर सकते हैं। सिल्वर फॉइल से इसे कवर करने का रीज़न यही है कि जब हम इसे फ्रीज़र में जमाएंगे तो इसके ऊपर कोई आइस क्रिस्टल वगैरह नहीं आएंगे। अब इनके बीच में लगाएंगे हम नाइफ़ की सहायता से एक हल्का सा कट। कट लगाने के बाद इसके अंदर हम डाल देंगे अपनी आइसक्रीम स्टिक इस तरीके से, और पेपर मोल्ड में हम आइसक्रीम स्टिक इसी तरीके से लगा लेंगे। ये देखिए, हमने लगा लिए। अब इन सभी कपों को हम रखेंगे एक प्लेट के ऊपर इस तरीके से, और इन्हें रखेंगे हम 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीजर में। तो 5 से 6 घंटे बाद मैंने इसे निकाल लिया है फ्रिज से। अब इन्हें करेंगे हम डीमोल्ड। तो इनका पेपर फॉइल हटाएंगे। इस कप को डीमोल्ड करना बहुत ही आसान है। इस तरीके से आप हल्का सा इसे फाड़ दीजिए। ये देखिए, आइसक्रीम को हमने निकाल लिया है। इसी तरीके से हम सारे डीमोल्ड कर लेंगे। तो इसी तरीके से मैंने सभी डीमोल्ड कर लिए। और ये देखिए, बिना किसी मोल्ड के भी अपने घर पे आसानी से आइसक्रीम बना सकते हैं और बच्चों को खिला सकते हैं। तो आज की ये क्रीमी क्रीमी आइसक्रीम की रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय।